फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अब ये तो सब जानते हैं, पर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, उनको वॉक करने की सलाह दी जाती है, यानी चलने की। अब चलने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से धीरे धीरे टहल रहे हैं। चलना यानी तेज तेज चलना, जिसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तभी इसका कुछ फायदा होता है। अगर आप वजन घटाने के लिए चल रहे हैं पर सुस्ती में चल रहे हैं तो ये एकदम बेकार जा रहा है। ये तो बात हो गई वॉकिंग की। अब आते हैं रनिंग पर, यानी भागना दौड़ना। ये भी फिट रहने और वजन घटाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, पर इन दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? फिट रहने के लिए किस केस में आपको वॉक करना चाहिए और कब दौड़ना चाहिए, ये हमें बताया डॉक्टर ने। आप भी सुनिए। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एक ही चीज है और दोनों में फर्क सिर्फ स्पीड का है कि एक में स्पीड ज्यादा है, एक में स्पीड कम है। लेकिन इसका फर्क एज एक इंडिविजुअल पे, एक पर्सन पे क्या है, वो डिपेंड करता है कि उसकी उम्र कितनी है, उसको बीमारियां क्या क्या हैं। अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल में लेना चाहें कि जिसको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो उसके अंदर रनिंग का ज्यादा महत्व होगा क्योंकि वो यंग है, उसको उसके घुटने, उसकी मसल्स स्ट्रांग हैं। उसमें ये उसके मसल्स को भी स्ट्रांग रखेगा, उसकी बोन्स को भी स्ट्रांग रखेगा और ओवरऑल उसकी हेल्थ को भी बेटर करता है। वॉकिंग में और रनिंग में एक ये भी फर्क है कि आप वॉकिंग तो काफी देर तक कर सकते हो, पर आप रनिंग बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते जब तक कि आप एक वेल ट्रेन्ड पर्सन ना हो रनिंग में। ये भी देखा गया है कि वॉकिंग के बाद में बंदा थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है, जबकि रनिंग के बाद में बंदा उतना रनिंग एनर्जेटिक फील नहीं करता, बशर्ते कि बल्कि थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करता है। ये उसकी इंटरनल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है और उसने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है उस पर भी। ये देखा गया है कि अगर आप वॉकिंग करें या रनिंग करें और आप उसे सस्टेन्ड तरीके से करें तो इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके बीपी को, शुगर को होने नहीं देता और अगर हो चुका है तो उन्हें कंट्रोल रखता है। इसका बेनिफिट ये भी देखा गया है कि आपको कैंसर्स वगैरह की, कई तरीके के कैंसर से बचाता भी है। मेंटली आपको साउंड रखता है और जो बड़ी उम्र में होने वाली तकलीफ जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, जिसके अंदर हम सिंपल भाषा में फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं, आप भूलना शुरू कर देते हो और बहुत ज्यादा भूलते हो, उस बीमारी को भी कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। वॉकिंग और रनिंग में एक चीज का हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि जब भी हम करें तो हमें अच्छी क्वालिटी के शूज होने चाहिए और अगर हम नेचुरल सरफेस पे करें, ना कि सीमेंट वाले सरफेस पे करें, तो उससे हमारे घुटनों को और मांसपेशियों को कम नुकसान होता है। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज अगर हम 10 मिनट से ज्यादा एक बार में करते हैं तो ये कहा जाता है कि उसका एडिटिव इफेक्ट है। अगर आप रनिंग एक बार में 10 मिनट से ज्यादा करें या आप वॉकिंग एक बार में 10 मिनट से ज्यादा करें, तो अगर मैं दिन में 10-10 मिनट के 3 सेट करता हूं वॉकिंग के एक्सरसाइज के, तो इसका मतलब है मैंने एक बार में ही 30 मिनट की एक्सरसाइज करी है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम किसी भी चीज में करें तो हम अपने आप को वार्म अप करें ताकि हम अपने मसल्स और अपने जॉइंट्स को किसी तरीके के नुकसान से बचाएं। वॉकिंग करते वक्त हमें एक चीज का और ख्याल रखना चाहिए कि हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और हम अपने साथ वाले के साथ में गुफ्तगू ना कर सकें। अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है और उसके बेनिफिट भी हमें उतने ही कम मिलेंगे। ये बात तो सही है, दौड़ने में इंसान ज्यादा थकता है इसलिए लंबे समय तक वो दौड़ नहीं सकता। हाँ, चल सकता है तेजी से, इसलिए डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उनको ध्यान में रखिए, पर अपने केस के हिसाब से दोनों में से एक चुनिए। अब बढ़ते हैं सेहत के लिए सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपका दिमाग चीजें याद कैसे रख पाता है। रोज हम कितना कुछ नया सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं,
कभी सोचे हमारा दिमाग इतना कुछ याद कैसे रख पाता है? पुरानी यादें, फोन नंबर, एग्जाम के लिए रटे हुए चैप्टर्स वगैरह वगैरह। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बताते हैं कि कोई भी जानकारी जब हमें मिलती है तो सबसे पहले हम उसे सुनते हैं, सुनने के बाद हमारा दिमाग उसे रजिस्टर करता है, फिर एक जगह उसे स्टोर कर लेता है। ये सेल्स आमतौर पर ब्रेन में टेम्पोरल लोब के हिप्पोकैम्पस नामक कोशिका में होते हैं। यहाँ तंत्रिकाओं के बीच में नए जुड़ाव बनते हैं। इन जुड़ावों में ये यादें या ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। मोटा माटी इंसान का जो दिमाग है एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर में कोई फाइल बनकर उस पर जानकारी स्टोर करते हैं, फिर उस फाइल को एक नाम देते हैं। नाम देकर ड्राइव के एक हिस्से में स्टोर करते हैं ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें, उसको ढूंढ सकें। इंसान का दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। जब हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तब हमें अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट की जानकारी बाहर निकालो। तब हमारा ब्रेन अपने बैंक में से वो सारी जानकारी बाहर निकालकर हमें वापस भेजता है और तब जाकर हमें वो चीज़ याद आती है। समझे? अब बारे सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए क्या मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी वाकई इतनी हेल्दी होती है जितना आप उसको समझते हैं? आजकल मल्टीग्रेन आटा काफ़ी चलन में है। मल्टीग्रेन यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरह के अनाजों का मिक्स किया हुआ आटा। लोगों का ऐसा मानना है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाने से ढेर सारे पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन बात इतनी सिंपल है नहीं। गेहूं, बाजरा या फिर मक्के के आटे के मुकाबले मल्टीग्रेन आटे में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन शरीर एक साथ इतने सारे पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, ये कहना है डाइटिशियन लवलीन कौर का। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लवलीन बताती हैं कि मल्टीग्रेन आटे में ढेर सारा फाइबर होता है, जिस वजह से आयरन जैसे ज़रूरी मिनरल्स शरीर जो है उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। हर अनाज अलग है और इनमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। जैसे रागी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, बाजरे में आयरन और ज्वार फॉस्फोरस का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इन सभी को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी अनाजों को एक साथ खा लेंगे तो पेट इन्हें ठीक से पचा नहीं पाएगा। इस वजह से IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि पेट की एक बीमारी है, वो हो सकती है। और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग यानी सूजन महसूस होना, दस्त और कब्ज। सभी अनाजों का पोषण चाहिए तो मल्टीग्रेन के बजाय इनके आटों को अलग अलग इस्तेमाल करिए, ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी कि ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में नए शोज LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मज़े के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा और सिर्फ 69 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।